अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज ये शमीर शाह भी हमारे पास खड़े हैं और आज दोस्तों सीन ये था कि हमारा जो फाउंटेन था वो ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से हमने उसको तोड़ा है। तोड़ने की वजह से जो हमारी जाली थी नीचे वो उखड़ गई है और थोड़ी सी ख़राब भी हो चुकी है, तो फर्श वगैरह भी है। ये ऊपर हमने एक जुगाड़ से किया हुआ था वो भी खोलना है। ये सीमेंट पड़ा हुआ है दोस्तों, जो कि हम दोबारा इसको रेनोवेट करने के लिए लगाएंगे, लाजमी लगाएंगे, जो कि ज़रूरी है। ये आपको नज़र आ रहा हो थोड़ा सा फर्श भी टूट चुका है, तो उस पर लगाना ये लाजमी है। और ये जो ऊपर हमने जुगाड़ किया हुआ था वो भी हटाना है। ये माशाल्लाह दोस्तों हमारे सारे तोते इधर जमा हो चुके हैं। ये जली वाली फीमेल ऐसे ही माशाल्लाह 3 से 4 बच्चे हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने। अच्छा, ये वाली जो ग्रीन फीमेल्स हैं, दो इन दोनों के माशाल्लाह बच्चे हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। काफ़ी टाइम से हमने नीचे वाली कॉलोनी का विजिट भी नहीं करवाया, तो अभी चलते हैं ऊपर इंशाल्लाह दोस्तों। तो ऊपर भी कॉकटेल का क्या सीन है वो सब हम देखेंगे। और मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी अंडे ले कर दिए होंगे। अभी दोस्तों चलते हैं ऊपर, इंशाल्लाह आपसे ऊपर मिलते हैं। दोस्तों फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। ये काफ़ी टाइम से दोस्तों आपको हमने अपनी जो हमारी बेचारी दो फिशेज रह गई हैं उनका आपको अपडेट नहीं दिया, हमारी दो फिश की, तो इंशाल्लाह आपको अभी वो अपडेट भी देते हैं। पहली अपडेट तो आपको ये बताते हैं कि ये दोस्तों अगर आपको याद हो, ये इनका इनकी फीड ये भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, तो इंशाल्लाह कल हमारी फीड भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो थोड़ा सी इसमें से इसको डाल भी देते हैं। इधर ऑप्शन नीचा, इधर आओ, ये ढक्कन खोलो खोलो ऊपर से ऐसे खोलो खोलो खोलो, जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ, ऊपर 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 की तरफ, यहाँ से शमीज ऐसे यहाँ से हाँ ऐसे ज़बरदस्ती शमीज शाह बड़ा हो गया जी। अभी इसको दोस्तों थोड़ी सी यहाँ से फीड डाल देते हैं, थोड़ी सी तो रह गई है। इधर सा ये दोस्तों हमारी दो फिश, इसके ऊपर ढक्कन दे दो शमीर शाह, आपने आज बड़ा ज़बरदस्त काम किया है ना। इसको भी ये दराज में रख देते हैं। ये दोस्तों हमारी ऑक्सीजन पंप लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर फंस रही है, ये हो गया दोस्तों। ये हमारी दो फिश रह गई हैं, इनका पानी भी हमने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे कुछ दिनों में। ये दोस्तों अगर आपको मनी प्लांट याद हो, मैं तो यही सोच रहा था कि ये ख़राब हो जानी है, इसमें से बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं रहे, लेकिन ये चल के दोस्तों आज गर्मी बहुत है क्योंकि बारिश नहीं हो रही। ये दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी इसके साथ एलजी वगैरह लगी हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन ये इनके लिए मुफीद है, तो ये माशाल्लाह इसमें बिल्कुल खुश हैं। एक मछली तो आपको याद हो वो बीमार होकर मर गई थी, और एक मछली ने ऊपर छलांग लगाई थी तो वो आके बाहर गिरी थी और मर गई थी रात की बात थी, तो ये सीन होता। अभी चलते हैं दोस्तों ऊपर, कॉकटेल का भी जायजा लेते हैं, लव बर्ड्स का भी और हमारी मुर्गी का भी। चलो जी शमीर शाह आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जी चलो 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 चलो। ये दोस्तों हमारा छत, इनको तो हर किस्म की चीज़ मिलती है, क्या है रोटी, क्या है इनको फ्रूट्स, क्या फ्रूट के छिलके, क्या घास, मतलब जो चीज़ भी इनको मिलता है ये बेगम होके और मज़े से खाते हैं। ये दोस्तों हमारा फिशर का पेयर माशाल्लाह इसे नस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इस दफ़ा हमने इनको ये नई नस्टिंग दी है, अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो ये वाली, वैसे दोस्तों बाजार से इनके लिए मूंजी मिलती है, लेकिन हमारे घर में ये पाम ट्री था उसके साथ से बड़े मज़े के रेशे निकलते हैं, तो वो मैंने ट्राई किए, मैंने कहा ये बेहतर हो जाए, तो ये नेचुरल भी है एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और हमें घर से मिल जाती है, तो वो भी कर देंगे। इधर आओ शमीर, उस तरफ नहीं जाना, उस तरफ नहीं जाना। तो ये दोस्तों माशाल्लाह नेस्टिंग कर रहे हैं, इसकी भी पेयरिंग माशाल्लाह होगी है। दोस्तों मैं आपको कॉकटेल का बताऊँ, जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था मैं, वो ये है कि दोस्तों इन्होंने मेटिंग की है, हमारे सामने की है, और ये अब मेल फीमेल दोनों बॉक्स में, इसका मतलब ये है कि इन्होंने लिंक कर दी होगी या एक दिनों में कर देंगे, एक दो दिनों में, तो वो भी इंशाल्लाह चेक कर लेते। पहले पंखा लगा लो भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। शमीर शाह ये दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, आराम से, अच्छा बिल्कुल आराम से बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो ऐसे। दोस्तों अभी चेक करते हैं, ये निकल आई है इसमें से, यहाँ पर नज़र आ रहा हो पेयर निकल आए, फीमेल अंदर ही है, मेल ऊपर बैठा हुआ है, तो इंशाल्लाह इसका अंडा वगैरह चेक कर लेते हैं। इसने ले किया हो तो बहुत अच्छी बात है, ना किया हुआ तो मुझे यकीन है कि ये कुछ ही दिनों में लेंग निकाल देगी, वो भी इंशाल्लाह आपके शेयर करेंगे, लेकिन अभी चेक कर लेते हैं इनका सीन क्या है। चलो जी दूर हो जी दूर हो। ये दोस्तों पता नहीं पहले टेम थे या क्या सीन था इनका, ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हुए होते हैं, शोर भी डालते हैं और काटने को भी आते हैं। तो आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि इसने दिया होगा अंडा, पता नहीं आप नज़र भी आ रहा है या नहीं, इसका फ्लैश ऑन कर लेता हूँ मैं। दोस्तों बचे नहीं है शमीर शाह अभी,
दोस्तों मुझे तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, मेरे ख्याल में इसने नहीं ले किया होगा, लेकिन जल्दी कर देगी। अरे दोस्तों ये वाला पैर हमारा माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी एक्टिव भी है। इसका एक सिर्फ मसला है फीमेल का, जैसे हमने लाई थी नई नई तो तब भी यही मसला था, अब भी यही है कि ये दाना जाया करती है। और वो जो दूसरे जाली वाले पार्ट थे वो हमने इसके अंदर रखे हैं, एक तो वो खेंच के अंदर ले जाते हैं, दूसरा उसी जाली को उतार कर पूरा इधर उधर कर देते हैं, और उसका फ़ायदा इतना ख़ास कोई नहीं होता, कैल्शियम ब्लॉक वगैरह पड़ा हुआ है। और ये माशाल्लाह एक्टिव है। और ये वाला पैर हमारा पुराना ही है, वो यूज़ टू हो चुका है, अभी बॉक्स में चला गया, आपको अगर नज़र आ रहा हो वो बॉक्स में ही है। तो ये बेहतर साइन है, ये ब्रीडिंग की तरफ इंशाल्लाह आ रहे हैं। अभी इसको तरफ सुनिए, जल्दी खोलते हैं। दोस्तों गर्मी बहुत है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसकी वजह यह है कि बारिश नहीं हो रही। बारिश कल थोड़े से बादल आए थे, लेकिन अब फिर ये दोस्तों हमारी मुर्गी, अच्छा खोलूँ शमीर या ना खोलूँ, मुर्गी खोलूँ नहीं खोलता आज, खोलूँ या ना। चलो दोस्तों शमीर के कहने पर मुर्गी को भी खोल लेते हैं। दोस्तों अभी सीन आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ ना तो ये ऐसे छलांगे लगाने लग जाती है, और जैसे छलांगे लगती है इसके पाँव के जो बचा आ जाता है, तो ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन अब क्या करें, चलना पड़ेगा इसके साथ। तो इसको खोल लेते हैं, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये खाओ, ये बड़ा हुआ ये। दोस्तों अभी इनका सीन पता क्या है, ये जो हमने इनके लिए हेल्दी और अच्छी फीड बनाई थी, और ये नहीं खा रहे, शौक से नहीं खा रहे, बाजरा ही खाते हैं शौक से। दूसरी चीज़ जो ये शौक से खाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये धनिया का क्रेट दोस्तों हमारा माशाल्लाह काफ़ी ज़रा अच्छी धनिया भी उगाई है। इसको हमने ऊपर तब रखा हुआ है कि इधर से चूजे वगैरह ना खाएं, क्योंकि ये बहुत खाते हैं। और ये पुदीना ये बहुत शौक से खाते हैं, इसके अंदर जाके खाएंगे ये थोड़ा सा सलाद का पता लगा हुआ है। बाकी क्रेट सारे तकरीबन खाली हो गए, हमने सफाई की थी, ख़राब पौधे वगैरह निकाले थे, तो इंशाल्लाह इधर भी एक सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। हम कुछ सोच रहे हैं, तो देखें अब वो अगर कामयाब हो तो हम करेंगे। पीछे हो शमीर, काटेगी काटेगी, ये देखें क्या क्या ये दोस्तों पता है क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे सामने मुर्गी ने चूजे के गले के ऊपर पाँव रखा है। तो ये वाला बड़ा मसला है, पता नहीं अब ये नेचुरल है या सिर्फ ही मुर्गी करती है, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन इसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये क्रेट छोटा है और इसके अंदर 7 चूजे और एक मुर्गी है बड़ी सारी, तो इसके नीचे पाँव के नीचे आना ही आना है। वो एक को इसने अभी लात मारी है बाहर आके, ये देखें ये अभी फिर जाएगा, फिर इसको एक जैसे ये नीचे मिट्टी मिक्स करने की कोशिश करती है ना, आगे चूज़ा आ जाए तो उठाया वो बाहर आके लगता है, उसको मेरे ख्याल में कुछ चीज़ मिल गई, कोई कीड़ा वगैरह। दोस्तों आपको ये सीन बताएं, तो इसको हमने इस कोने में किए ना, जिसे हम इस पौधे को इसको धूप से थोड़ा सा निजात मिली है, तो ये अच्छा ग्रीन ग्रीन हो गया। ये हमारा लेमन ग्रास दोस्तों, ये हाथ इतना तेज़ काटता है बस, ये छुरी से भी ज़्यादा तेज़ है, अब क्या बताऊँ आप। ये हमारी मिर्ची दोस्तों, उम्मीद है कि इसके साथ कुछ ना कुछ लग जाएगा। ये खरगोशों ने तबाह कर दी थी, वो उसके साथ भी नए फूल लगे हुए टमाटर के साथ। ये हमारी तुलसी, यार ये सारा सूखा हुआ आसन क्या करता रहता है। ये हमारे माशा दोस्तों नींबू लग गए हैं, 1 2 3 4 5 काफ़ी सारे लग गए हैं, बाकी फूल वगैरह भी इसके साथ काफ़ी सारे हैं। वो फिर इसे मारे, फिर मारे ना मुर्गी मारे, मुर्गी गंदी है वो, देखें फिर उठा के, फिर उठा के उसको बाहर फेंक दिए। मेरे ख्याल में इनको बंद कर दें अब, वो सारा पुदीना ख़राब कर दिया यार, ये देखें। ठहर उसको मैं अंदर करता हूँ, ठहरें, चलो 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 अपने घर में, आप लोग बाहर के लिए यहीं हो, आप लोग अंदर ही ठीक हो, बेहतर हो। चलो 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 चलो। मुर्गी को बहुत शौक है दोस्तों बाहर निकलने का, चूजे इतना शोर नहीं डालते क्योंकि यही छोटे हैं, तो इसको अभी कर देते हैं बंद। ये बंद हो गया जी, इसके आगे ये हमारे दोस्तों तोतों का बर्तन है पिंजरे का, ये बेदली ख़राब हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, और जैसे कि आपको दोस्तों मैंने पहले बताया कि नीचे जो हमारा फाउंटेन था उसको हमने तोड़ दिया, क्योंकि वो सारा ख़राब हो चुका था और तो वैसे बुरा लग रहा था। तो मसला ये था कि जैसे हम पानी अंदर सारा गिरा कर उसको साफ, इधर आओ शमीर, उसको जैसे ही हम साफ़ करते तो वो जो एक टब सा बना हुआ था उसके अंदर पानी खड़ा हो जाता था, जिसके अंदर माइट्स वगैरह और गंदा पानी था, वो तोते पीते भी थे तो बीमार हो जाते थे, तो इस वजह से हमने वो तोड़ दिया। तो जैसे कि आपने देखा ही है वो इनके लिए बेहतर है, उसकी वजह ये है कि ये गंदे पानी से बचे रहेंगे। तो ये था आज का हमारा व्लॉग दोस्तों, बड़े टाइम के बाद व्लॉग अपलोड कर रहे हैं क्योंकि बिजी बहुत थे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोस्तों इसके बाद आपको व्लॉग
इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि डेली का अपलोड करा करें हम, तो वो बेहतर रहेगा। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।